नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल आपका अपने YouTube चैनल कैप्स एंड कार टेक पर फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने ब्रेकिंग सिस्टम्स में नए ब्रेकिंग सिस्टम्स की, विच इज़ कॉल्ड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड रोल ओवर मिटिगेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग CSC और ROM के नाम से भी जानते हैं। तो CSC कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फीचर है जो कॉर्नरिंग के टाइम पर आपकी कार को संभालने में मदद करता है। कॉर्नरिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्नरिंग क्या होती है? जब भी हम अपनी कार को किसी गहरे तीखे मोड़ पर ले जाते हैं, गहरा तीखा मोड़ मीन्स कि कार की स्पीड के अकॉर्डिंग मोड़ की चौड़ाई का कम होना, दिस इज कॉल्ड कॉर्नरिंग। सो कॉर्नरिंग के टाइम पर जब गाड़ी को हम टर्न करते हैं, राइट, तो मैं आपको एग्जांपल यूज करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक, सपोज दिस इज अ डायरी, जिसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कि ये एक कार है, तो अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते समय हम कार को किसी गहरे मोड़ पर या रोड पर ले जा रहे हैं और अचानक कोई गहरा तीखा मोड़ आ गया, तो उस टाइम पर गाड़ी को जब हम टर्न करते हैं, सपोज मैं आपको कार को अपने लेफ्ट टर्न करता हूँ, सो लेफ्ट टर्न करते समय जिस तरफ कार टर्न हो रही है उसी तरफ से उठना शुरू कर देती है। मीन्स कि कार का जो डायरेक्शन है वो टर्निंग के टाइम पर कार को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स कि जब भी हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो जब घुमाते हैं तो एक सर्कल बनता है, और सर्कल बनता है तो उसमें होता है एक सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट से एक फोर्स परिधि पर यानी सर्कमफेरेंसेस पर घूमती हुई चीज़ों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल भी कहा जाता है, जो कि सर्कमफेरेंसेस यानी परिधि पर घूमती हुई चीज़ों को परिधि से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो जब भी हम किसी गहरे मोड़ पर गाड़ी को टर्न करते हैं तो गाड़ी जिस तरफ टर्न हो रही है उसी तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। आप लोगों को भी ध्यान होगा, जगह आपने कार में और बस में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी लेफ्ट टर्न होती है तो हमारी बॉडी राइट की तरफ जाती है, और जब गाड़ी राइट टर्न होती है तो हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल हमें ही नहीं पूरी गाड़ी के ऊपर काम करता है, और टर्न करते समय जिस डायरेक्शन में गाड़ी टर्न हो रही है उसी डायरेक्शन से ऊपर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा लोड आउटर व्हील्स पर पहुंच जाता है, यानी चार पहियों का लोड जो है वो दो व्हील्स के ऊपर आ जाता है। उस कंडीशन में ड्राइवर टर्निंग के टाइम पर ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करता है, धीरे धीरे ब्रेक्स अप्लाई करता है और गाड़ी को टर्न करता है। बट अगर टर्निंग पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हुई तो उस कंडीशन में कार ड्राइवर को पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर को लगता है कि गाड़ी को टर्न करना था इधर और गाड़ी जो है वो बाहर जाने लगती है। मीन्स गाड़ी ज़रूरत के हिसाब से जो स्टीयरिंग को टर्न होना था वो स्टीयरिंग टर्न नहीं हो पाता और गाड़ी बाहर की तरफ जाने लगती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ अंडर स्टीयरिंग। सो ड्राइवर को लगता है कि गाड़ी रोड से बाहर निकल जाएगी और उस कंडीशन में मिसहैपनिंग होने के चांसेस हैं। तो ड्राइवर जितना स्टीयरिंग को घुमाना था उससे ज़्यादा स्टीयरिंग को घुमा देता है गाड़ी को अपने रोड पर बनाए रखने के लिए। तो जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग को ज़रूरत से ज़्यादा घुमाया जाता है, मीन्स ओवर स्टीयर किया जाता है, उस टाइम पर गाड़ी के जो फोर व्हील्स का जो लोड आउटर के दो व्हील्स पर होता है वो फ्रंट आउटर व्हील पर पहुंच जाता है। मीन्स कि अब गाड़ी का जो डायरेक्शन था वो टर्न पर ना होके सामने की तरफ होता है और पूरा लोड फ्रंट आउटर व्हील पर होता है, और फ्रंट आउटर व्हील पर जब पूरा लोड पहुंचता है तो ड्राइवर को लगता है कि गाड़ी अब टॉगल हो सकती है, रोल हो सकती है, उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। सो उस कंडीशन में जब भी गाड़ी पर पैनिक ब्रेकिंग की जाती है तो गाड़ी का जो यॉ रेट सेंसर यानी ग्रेविटेशनल सेंसर है, ये गाड़ी के डायरेक्शन को सेंस करता है कि गाड़ी स्ट्रेट नहीं है, गाड़ी किस तरफ झुक रही है, और गाड़ी में EBD इस चीज़ को सेंस करता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि गाड़ी के कौन से व्हील पर ज़्यादा लोड है। तब उस कंडीशन में गाड़ी के चारों व्हील्स का जो लोड है वो फ्रंट आउटर व्हील पर पहुँच चुका है। उस कंडीशन में जब ड्राइवर पैनिक ब्रेकिंग करता है तो ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ECM जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम को ऑर्डर करता है
कि बॉस गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक सप्लाई करो, और जब ट्रेनिंग ब्रेकिंग खींच आती है तो ईबीडी सेंस करता है कि गाड़ी का पूरा लोड फ्रंट आउटर व्हील पर है, और उस कंडीशन में फ्रंट आउटर व्हील पर मैक्सिमम ब्रेक फोर्स को अप्लाई किया जाता है। और ईबीएस की हेल्प से, क्योंकि ब्रेक्स व्हीकल को व्हील को लॉक अनलॉक करते रहते हैं, उस कंडीशन में ये फ्रंट आउटर व्हील्स को लॉक अनलॉक करते हुए, मीन्स रोड पर ग्रिप बनाते हुए गाड़ी को टर्न करने में हेल्प करता है। स्किडिंग से प्रिवेंशन मिलता है और गाड़ी इजीली रोड पर अपने ट्रैक को बनाए रखते हुए टर्न हो जाती है। सो ये एक कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का एक बहुत ही एडवांस रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ABS इन्वेंट किया था रेनो ने, उसे आगे बढ़ाया बॉश ने, तो बॉश ने जब उस पर और रिसर्च की और जब गाड़ियों की 9th जनरेशन चल रही थी उस टाइम पर बॉश ने गाड़ी में एक और फीचर या ABS में एक और फीचर खोज निकाला जो कि ABS और EBD की हेल्प से काम करता था और गाड़ी को जो है वो कॉर्नरिंग के टाइम पर, स्टीप टर्निंग के टाइम पर बैलेंस बनाने में या कंट्रोल करने में हेल्प करता था, विच इज़ कॉल्ड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल। सो इस ABS को नाम दिया गया 5th जनरेशन ABS, ABS विद EBD दिस इज कॉल्ड 7th जनरेशन ABS, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले एपिसोड्स में बताया था। बट कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल की खोज हुई थी जब गाड़ियों की 9th जनरेशन चल रही थी, तो उस कंडीशन में ABS विद EBD विद कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तीनों फीचर्स के साथ ABS को नाम दिया गया 9th जनरेशन ABS। 9th जनरेशन ABS दिस इज अ वेरी एडवांस ABS फंक्शन इन ऑटोमोबाइल्स जो कि आज की डेट में मॉडर्न कार्स में इस्तेमाल किया जाता है, और आज की डेट में टाटा की तो जितनी भी कार है ना सभी में आपको 9th जनरेशन ABS मिलता है, चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, नेक्सॉन हो, या कोई भी SUV हो लाइक हैरियर है, सफारी है, सभी में आपको ये फीचर मिलता है। तो ये तो बात हुई कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी 9th जनरेशन। अब एक और फीचर आता है जिस इज कॉल्ड रोम, दिस इज कॉल्ड रोल ओवर मिटिगेशन। रोल ओवर मिटिगेशन एक ऐसा फीचर है जो कॉर्नरिंग के टाइम पर ही आपकी गाड़ी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है बैलेंस बनाए रखने में, कंट्रोल बनाए रखने में। बट ये फीचर जो है वो अपने आप काम करता है, मीन्स जब आप गाड़ी को किसी गहरे तीखे मोड़ पर ले जाते हैं, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो चुका होता है, गाड़ी का पूरा लोड जो है वो ओवर स्टीयरिंग की वजह से फ्रंट आउटर व्हील पर आ जाता है और आपका पैर उस समय एक्सेलरेटर पैडल पर ही है। जी हाँ, आपका पैर एक्सेलरेटर पैडल पर है, बट उस कंडीशन में ECM ब्रेकिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है गाड़ी को संभालो, यॉ रेट सेंसर यानी ग्रेविटेशनल सेंसर्स ECM को इन्फॉर्म करता है कि गाड़ी का डायरेक्शन क्या है। ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलकर काम करते हैं और ये जज करते हैं कौन से व्हील पर ज़्यादा लोड है, गाड़ी का पूरा लोड या गाड़ी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, और आपके एक्सेलरेटर पैडल पर पैर होने के बावजूद भी इंजन की पावर को गिराया जाता है और ब्रेक्स ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फ्रंट आउटर व्हील पर अप्लाई कर दिए जाते हैं जो कि आपकी गाड़ी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक था, बट बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही डीप टॉपिक है, क्योंकि कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एक यूनिक फीचर है जो कि 9th जनरेशन ABS का फंक्शन है, एंड रोल ओवर मिटिगेशन एक ऐसा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि विदाउट यूजिंग अ ब्रेक पैडल अपने आप रिक्वायर्ड ब्रेक फोर्स को रिक्वायर्ड व्हील पर अप्लाई करके कॉर्नरिंग के टाइम पर आपकी गाड़ी को संभालने में मदद करता है। तो आज के इस टॉपिक के साथ ही हमारा बाकी के फीचर्स के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे, और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग ब्रेकिंग सिस्टम, रिगार्डिंग सेफ्टी सिस्टम, रिगार्डिंग अनदर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल कैब्स एंड कार टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर नई जानकारी के बारे में हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग पैसेंजर कार्स। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर नए फीचर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।